बीजेपी अब चुनावी मोड में नजर आने लगी है। चुनाव में अब महज कुछ ही वक्त बचा है और बीजेपी ने अब नहीं सहेगा राजस्थान के नारे के साथ बिगुल बजा दिया है। ये बिगुल है सरकार को घेरने का, सरकार के उन कार्यों का, या सरकार के दौरान जो पेपर लीक हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उनको घेरने का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये रैली निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं बीजेपी की ये महाघेराव रैली, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी के तमाम वो बड़े नेता जो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन करने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब पैरों पे चल गए। ये स्टेचू सर्किल का कुछ एक नज़ारा है। मेरे साथी संजय जी से मैं कहना चाहूँगा कि स्टेचू सर्किल का जो नज़ारा है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। स्टेचू सर्किल पूरा बीजेपी कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो आंदोलन है उसको यहाँ पर उग्र किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी का जो ये महाघेराव रैली है उसमें कहीं पर भी पैर रखने तक की भी जगह नहीं है और बड़ी संख्या में जो अभी भी कार्यकर्ता हैं वह यहाँ पर जुटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के द्वारा पेपर लीक की घटनाएं, महिला अत्याचार, कन्हैया की जो हत्या हुई थी वो, इसके साथ ही जोधपुर में लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उन घटनाओं के विरोध में ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और सचिवालय घेराव के लिए ये लोग निकले हैं। लगातार यहाँ पर जगह जगह जाम की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली है और बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे ये वाटर कैनन यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर चला दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। भाजपा जो कार्यकर्ता हैं उनको हटाने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में कि जो भीड़ है उसको तीतर बीतर करने के लिए प्रशासन की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर कैनन यहां पर चलाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए। आप सीधे तस्वीरों में देखिए, मेरे साथी संजय जी से मैं कहना चाहूँगा कि ये वाटर जो कैनन चलाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए, वो तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से अब कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन यहाँ पर चलाया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेचू सर्किल पर जो बैरिकेटिंग करके यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया, इससे पहले भी जब भाजपा का प्रदर्शन हुआ था तो यहीं पर, यही वो जगह है जहाँ पर वाटर कैनन चलाया था। जो भी बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी थे उनके काफ़ी चोटें आई थी और एक बार फिर से यहाँ पर प्रशासन की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर कैनन के साथ यहाँ पर वाटर कैनन चला के प्रशासन के द्वारा जितने भी ये पदाधिकारी हैं, ये भीड़ है, इनको खदेड़ने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो भी पहुँच चुकी है क्योंकि अब कार्यकर्ताओं के लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और वाटर कैनन यहाँ पर चलाया जा रहा है। इन तमाम तस्वीरों को आप देखिए कि भारी भीड़ को रोकने के लिए अब जो प्रशासन है उसकी ओर से वाटर कैनन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन के जरिए उनको यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़ और तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम तक आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीरें जो सरकार के खिलाफ आक्रोश की हैं, जो सरकार को घेरने का प्रयास है। चुनावी साल में ये चुनावी बिगुल है वो नज़र आ रहा है।